आज अपन लौटे हैं कुछ नए कोर्सेज के बारे में। आई होप कि आपने बारबी और ओपन मेयर देख ली होगी और अपना टाइम व्हाटएवर। सो अब अपन बात करते हैं कुछ बेस्ट एक्सेंचर कोर्सेज के बारे में, जो कि दो नहीं तीन तीन कोर्सेज हैं। सो लेट्स स्टार्ट इन थ्री कोर्सेज के बारे में। सो फर्स्ट कोर्स है अपना पाइथन बेसिक्स। सो पाइथन बेसिक्स में आपको सीखने को मिलेगा व्हाट इज पाइथन, हाउ इट लिंक्स, कि कैसे आपको स्ट्रेंथन करती है, ऑल दीज थिंग्स। सो ये एक पार्ट होगा एक्सेंचर की तरफ से AISN प्रोग्राम का। AISN प्रोग्राम तब चलता है जो कि फ्रेशर्स एक्सेंचर के अंदर जब जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनको इंटर्नशिप पीरियड में ये प्रोग्राम करने का मौका मिलता है। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये मौका मिल रहा है ज्वाइनिंग से पहले। इवन हो सकता है कि आप इसमें ज्वाइन कर ले। सो लेट्स स्टार्ट द कोर्स। सो इसमें आपको है ना इमर्जिंग टेक स्किल्स मिलेगी, ठीक है। ये डोमेन है AI डोमेन वालों के लिए होता है, और एक BDA एक और डोमेन होता है उसके लिए होता है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, ओके। ये फ्री ऑफ कोर्स है और 8 आवर में ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो दीज आर द सिंपल स्टेप्स यू हैव टू फॉलो एंड लेट्स थिंक। दिस इज द थिंग्स दैट यू विल लर्न इन दिस कोर्स एंड आपको क्या प्रोवाइड कराना है, आपको क्या फंडामेंटल होना चाहिए, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। और हु शुड टेक दिस कोर्स, कि आप क्या होने चाहिए, आप BE/BTECH स्टूडेंट होनी चाहिए या उस स्ट्रीम से बिलोंग करनी चाहिए, तो कि आपको ये कोर्स अच्छे से समझ आएगा, ओके। और वर्किंग प्रोफेशनल्स होने चाहिए और नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स STM बैकग्राउंड से भी होगा, वो भी सीख सकता है इसको। और ये करिकुलम में इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन होगा और पाइथन डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात की जाएगी और पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में भी बात की जाएगी। और टूल्स यू विल लर्न इन दिस कोर्स, क्या क्या आप लर्न करोगे इस कोर्स, पाइथन क्या होता है, कैसे प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर से, क्या इसका सॉफ्टवेयर जो है जिसमें आपको डाउनलोड करके, जिसमें प्रोग्रामिंग PyCharm है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है, विजुअल स्टूडियो है, वो आपको यूज़ करना सिखाया जाएगा उसको। सो और लिस्ट के बारे में बताया जाएगा आपको, ट्यूपल्स क्या होते हैं ये बताया जाएगा, डिक्शनरी पाइथन डिक्शनरीज के बारे में, स्ट्रिंग्स ऑफ पाइथन बताया जाएगा, डाटा स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उसके बारे में भी बताया जाएगा, और डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। सो अप्लाई करना बहुत से सिंपल है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आपको साइनअप साइन इन का बटन दिख जाएगा, आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप जस्ट क्लिक करने के बाद में आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे, आपको सेम थिंग्स मिलेगी जिसके अंदर आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, और क्रिएट न्यू अकाउंट करने के बाद में आपको अपना नाम और बेसिक डिटेल्स, ईमेल आईडी और ये फिल कर देनी है, और जस्ट आपको अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद में आपको जाना है अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना आपका है। और ये था पाइथन कोर्स के बारे में। नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट कोर्स, जो कि है SQL फंडामेंटल्स। SQL फंडामेंटल्स में भी एक्सेंचर ही प्रोवाइड करा रहा है। SQL फंडामेंटल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये भी एक AISN प्रोग्राम होता है एक्सेंचर का, उसमें सिखाया जाता है और आपको भी सीखने का मौका मिल रहा है, सेम एज दैट। और ये फ्री कोर्सेस है और ये कुछ स्किल्स है जो कि आपको सीखने को मिलेगी, ओके। और आप वही स्टूडेंट होने चाहिए BE/BTECH के। और करिकुलम में आपको अब बता देते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ डाटाबेसेस, मैनेजिंग डाटाबेसेस एंड टेबल्स कैसे मैनेज किया जाता है, क्वेरिंग टेबल डाटा कैसे क्वेरी लिखी जाती है, वो सब चीज़ें, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग डाटा, कैसे एक्सपोर्ट किया जाएगा डाटा को, कैसे इंपोर्ट किया जाता है वो बताया जाएगा, और
क्या क्या टूल्स आप लर्न करेंगे इस कोर्स के अंदर वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। SQL टूल्स है, क्वेरी सीखेंगे आप, MySQL सीखेंगे, DDL सीखेंगे, और सेलेक्ट क्वेरी होती है, डाटाबेस, RDBMS सीखेंगे और DML ये सब चीज़ें सीखेंगे। और आपको जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप इस कोर्स के अंदर जा सकते हैं। और अब नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड शेल स्क्रिप्टिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम के साथ में जस्ट हम थोड़ा ये करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सब वर्क करते हैं, और बट दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट यू विल आस्क इन द इंटरव्यू प्रोसेस। तो सभी इंटरव्यूज़ के अंदर आपको बेसिक चीज़ें पूछी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो ये कोर्स भी अपने लिए फ्री है, सो इसके अंदर आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेगी। और अपन करिकुलम या सिलेबस के बारे में बात करें, तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सीखने को मिलेगा, इंटरेक्टिव विद द कमांड लाइन शेल इसके बारे में सीखने को मिलेगा, और रेगुलर एक्सपेंशंस इसके बारे में सीखने को मिलेगा। और ये जो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि टूल्स आपको सीखने को मिलेंगे इसके अंदर। लिनक्स क्या होती है, यूनिक्स क्या होती है, शेल स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, रेगुलर एक्सपेंशंस कैसे काम करते हैं, कैसे अपने को लिखा जाता है, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगी। आपको जस्ट अप्लाई करना है, इस बटन पर जाकर क्लिक करना है, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना टाइम इसके लर्न डेली, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।